अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक हो गया आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप देख सकते हैं कि मेरी प्यारी सी जो अलमारी है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लटका हुआ, मेरा कंबल भी तय है। आज वेल डिसिप्लिन बैन नहीं किया वेल रूम को, टेंशन नहीं लेनी, मेरी जख्मी अलमारी आज खूबसूरत लग रही होगी आपको उम्मीद है। एनीवेज व्लॉग को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कर दें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर ब्रांड न्यू ज़बरदस्त फैब व्लॉग्स जो है वो आप देख सकें। मैं ये देख रही हूँ कि यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे, ज़्यादातर सब्सक्राइब नहीं करें, जाके अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम वीडियो करेंगे स्टार्ट। तो आज का कुछ सीन है कि आज देखें आपकी बहन बहुत जल्दी उठ गई, तैयार श्यार हो गए। क्यों? क्योंकि उसने जाना है एक बहुत ही ख़ास जगह। वो खास जगह मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी नहीं, थोड़ा डिले करके, थोड़ा टाइम बाद जब वो मेरा काम हो जाएगा तो जरूर आपको बताऊंगी। तो अभी एनीवेज अभी चलते हैं, बाबा जब साथ जाएंगे मेरे, चलते हैं नीचे और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं जाऊंगी कहाँ, बट किस काम के लिए जाऊंगी वो अभी नहीं बताऊंगी। बाकी धूप ये देखें यार मेरे मुंह के ऊपर पड़ी है, देखें मेरे तो यहाँ दाने निकल आए हैं, पता नहीं किस चीज़ से, शायद यहाँ के पानी की वजह से या साबुन की वजह से, पता नहीं किस वजह से निकले। जिस वजह से भी निकले अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एक्नी शक्नी वाला चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दाने निकले हैं, मेरा पूरा फॉरहेड भर गया है दानों से। तो ये सीन था, अभी चलते हैं नीचे फिर आपको बताते हैं। मुझे पूरे दिन का नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो ये मुझे नहीं पता होता। ये जब मुझे आज तक सब दिन गुजरता है तो पता चलता है, अच्छा इस घंटे मैंने ये करना है, इस घंटे मैंने ये करना है, इस सेकंड मैंने ये करना है, इस मिनट मैंने ये करना है। तो इसलिए अभी मुझे कुछ नहीं पता, आगे आगे जाओ आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत करीब ही दुबई का व्लॉग आने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड व्लॉग जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बनाना और उसका इंतज़ार भी उसी शिद्दत से। सो देखते हैं कि वो अब कब इम्प्लीमेंट होता है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, वो भी आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो गाइस अभी हम जा रहे नीचे, ये लाते बंद हो जाएगी। फाइनली अभी हम जा रहे हैं ऊपर, हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे और बाबा कह रहे हैं ए बड़ी मुसीबत व्लॉग वाली है। एनीवेज अभी हम जाते हैं। तो गाइस अभी हम जो है वो जिस काम के लिए आए थे वो तो फिर काम कर लिया, वो रुक गया तो अभी हम काम कर लिया, अभी हम जा रहे हैं वापस रूम की तरफ। मैं सोचा आपको बता दूँ काम क्या था, वो आपको बाद में बताऊंगी जब वो हो जाएगा कंप्लीट। तो एनीवेज बाकी ये कि दुआओं में याद रखें, कमेंट सेक्शन में मुझे ढेर सारी दुआएं दें। और अभी बाहर बहुत गर्मी है थोड़ी सी, ऐसे अंदर चले जाते हैं बहुत दमाओं में, थोड़ा ऐसी नहीं हाँ ठीक है। अभी हम नीचे जाएंगे, अभी हम जाएंगे नीचे लुलू सेंटर, कोई हाइपर मार्केट है अलवादा मॉल के अंदर। सो अभी हम वहाँ जाते हैं, उसके बाद वो आपको सारा ही दिखाते हैं। ये है अलवादा मॉल, वैसे आप मॉल्स भी देख के बोर हो गए होंगे मेरी तरह, मॉल्स दिखाने का आपको कोई फ़ायदा तो है नहीं, आपको अभी हाइपर मार्केट दिखाते हैं। लेवल वन ओके फर्स्ट फ्लोर और वहाँ से लेफ्ट, तो अभी वहाँ पहुँचती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ लेवल वन है, लेवल वन ओके। यार यहाँ पे पता नहीं M1 का चक्कर है हमारे, जिधर हम रहते हैं वहाँ पे भी हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहते हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर से जब बैठो तो उससे ऊपर लेवल M आता है, उसके बाद लेवल वन आता है। ये M का चक्कर मुझे याद समझ नहीं आता कि ये क्या सीन है। तो एनीवेज अभी जाते हैं ऊपर, अभी हम ढूंढ रहे हैं कि है किधर, बाकी आप ये देख सकते हैं इसका है फर्स्ट फ्लोर। हम यहाँ आए थे, हाँ आए थे बट घूमे नहीं थे, बस
कोई काम था, ड्रग काम से वापस चले गए थे, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी आ गए हैं, अभी मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ। सो यस यार, यार अभी ड्रेसेस और अभी फ्रॉक्स बहुत प्यारे हैं, आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये यहाँ पे टेस्टर है यार, हर एक जगह जहाँ पे भी जाओ तो वहाँ पे ऐसे ही टेस्ट होते हैं। मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे ऐसे दुबई मॉल्स वगैरह की, तो उसमें भी ऐसे ही था कि हर जगह जाओ तो आपको टेस्ट चेक करवा रहे होते हैं। सो वाकई ही ऐसे ही है, जिधर जाओ वहाँ पे टेस्टर चेक कराते हैं, हनी चेक कराते हैं, और बस इसी तरह की कोई ना कोई चीज़ चेक करा रहे होते हैं। यार वो तुर्किश, उस दिन हमने क्या चेक किया था, तुर्किश पता नहीं कोई तुर्किश बिस्किट टाइप से कुछ वो भी हमने ट्राई किए थे। तो इस तरह का चक्कर है, चलता है। तो है सब फ्लैश, वो किधर है, लुलू लुलू हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रही अभी लुलू। चलो भैया को ये दिखा देते तब तक। तो आज का पूरा दिन बस मेरा इधर उधर गया, मैं सुबह किसी और काम से भी गई थी तो, और उसके बाद फिर तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं तब समझे कि आधी नींद में थी, आदत नहीं थी मुझे। फॉक्स स्ट्रीट एंड डाउन, हम डाउन से ही आप आए हैं। ओके, तो बस आज का दिन मेरा इसी तरह ही गुजरा है। यार कसम से बाबा ने ना कसम खाई भी है कि बस जहाँ भी मॉल जाना है अपने रूम का टूर जरूर करके आना है, तो अभी वो गए। तो मैं, अच्छा मैं ये बात कर रही थी कि आज का दिन बस मेरा इसी तरह गुजरा है कि आज सुबह मैं एक जगह और गई थी, वो भी ज़रूरी काम था, तो उसके बाद फिर वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं सुबह, यार रात को मैं कोई सोई 6 बजे। असल में हुआ ये क्या, रात तो नहीं थी वो, खैर वो सुबह ही थी। असल में हुआ ये कि रात को मैंने कॉफ़ी पी ली, और जब मैंने वो कॉफ़ी पी ली तो मुझे रात वाली नींद ही ना आई। तो तकरीबन हो गए थे 6, और लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं दिखाऊंगी। तो सुबह के 6 हो गए थे मुझे सोते सोते, तो फिर 2:10 बजे मुझे जाना था काम से, तो इस वजह से फिर मैं वो नहीं कर पाई, स्टार्ट में व्लॉग नहीं बना पाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ जा रही हूँ तो व्लॉग बनाना चाहिए, साथ साथ आपको भी दिखाना चाहिए। तो आज के दिन पर मेरा बस इसी तरह गुजर जाएगा, और बाकी अभी तक बाबा आ ही नहीं है, और लोग मुझे बहुत घूरे हैं जैसे कि मैं कुछ अजीब और गरीब काम कर रही हूँ। जैसे भी बाबा आते हैं तो जाते हैं। नहीं, हमें लुलू मिल गई, इतनी जद्दोजहद करने के बाद अभी हम जाएंगे। उसने कहा था गो स्ट्रेट डाउन डाउन फिर डाउन, 3 बार से कहा था उसने। ये सारी सेल लगी हुई, हम आ गए हैं लुलू। ओए होए होए, तो भाई तो मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं पहने इतने शुद्ध शुद्ध इतने रंगीन, बस इस तरह के सही होते हैं यार, वही ना, बस इस तरह के ठीक होते हैं। ये नीचे वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला चमक वाला। हाँ सिंपल सिंपल है। ये इंडियन नहीं, इंडियन नहीं। ये और से भी इतने महंगे महंगे फ्रॉक्स नहीं हो सकते सिंपल सिंपल इस तरह के, जो लेके गया था मैं ये इस तरह की, ये कितने, हाँ ये वाला 60 का, इस तरह के फ्रॉक्स हो जाए तो ज्यादा। 40 दिरहम का लेके गया था आपका, पता है उधर से दुबई से, ये साथ लॉन की, ये क्या कर दिया अभी आगे एक तो बाबा बनाने नहीं देते यार व्लॉग। एनीवेज अभी हम आए हैं, बाबा को ला रहे, बाबा को नहीं ला रहे, बाबा को ऑडियंस आपको देखने का शौक नहीं है, नहीं है वो कहते। ये है लुलू हाइपर मार्केट, आपने वो दूसरी कौन सी थी, केयरफोर्ड, ओ ऑटोमेटिक डोर्स,
यहाँ आप बाबा कह रहे मुझे नहीं लाना, हम बाबा को नहीं लाएंगे। यार ये मुझे बाहर निकाल देंगे कहेंगे जाए ला गए। बस भैया ये इतनी बड़ी होती है ये बंदा चल चल ही थक जाए समसे, इसमें बंदा ज़्यादा चल नहीं सकता थक ही जाए इतनी बड़ी होती है। फिर भी ये देखना क्या होगा। यार ये हुआ ही नहीं है। यार ये क्या मजाक किया है कसम से इसने, जो पाकिस्तानियों के लिए खोलते भी नहीं है यार। बाबा तो चलो यूएई के हैं इसलिए इन्होंने खोल दिया, हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए उसे खोले ही नहीं है। व्हाट इज दिस मैन। एनीवेज अभी हम वापस जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम एक होटल आए हैं, बाबा को यहाँ थोड़ा काम था। ये है यहाँ ग्रैंड मिलेनियम होटल अबू धाबी में, बहुत बड़ा माशाल्लाह आप देखें। तो अब बस अभी यहाँ से फ्री होते हैं, फिर इसके बाद जाएंगे वापस रूम में। मसला ये है कि आजकल मुझे ऐसा कोई काम नहीं है और मैं ना रूम से ज़्यादा बाहर आती हूँ, क्योंकि यार अभी भी हालत देखें इतनी गर्मी होती है ना, और रात के टाइम भी टाइम नहीं बचता है ऐसा व्लॉग बनाने का। तो ये मसले भी चल रहे हैं, इसलिए डेली व्लॉगिंग थोड़ी बोर हो रही है आई नो। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा फन भी हो गया थोड़ा सा, बट ये कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए होटल, आपको इसकी एंट्रेंस दिखाती हूँ। इसके अंदर एक रूम होना चाहिए हमारा, ये इसकी लॉबी एंड रिसेप्शन दिखाती हूँ। रिसेप्शन या रिसेप्शन एक काफ़ी बड़ा है। एनीवेज अब चलते हैं वापस रूम में। सो फाइनली गाइज हम रूम में आ गए थे और मैंने कपड़े वगैरह कर लिए चेंज, अभी बस मैंने खाना वगैरह खाना है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और काफ़ी